हे व्हाट्स अप गाइस, समित हियर फ्रॉम एसपी गेट एक्टिवी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले बोट स्टोन ग्रेनेड को। तो ये काफ़ी बढ़िया स्पीकर है, एंड बढ़िया है कि नहीं मतलब इसका डिटेल मैं बताऊंगा इसके रिव्यू में। एंड ये काफ़ी एक बजट ओरिएंटेड स्पीकर है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पीकर है। तो इसके रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो पहले हम लोग इस बात करेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो देखने में ये आपको लगेगा कि ये मेटल बिल्ड है, बहुत सॉलिड बिल्ड है। हाँ, सॉलिड बिल्ड है, लेकिन ये मेटल बिल्ड नहीं है, ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। लेकिन प्लास्टिक का क्वालिटी टॉप नॉच है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड इसका ये मेश डिज़ाइन भी काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर चार बटन्स भी दिए गए हैं, जो कि एक है पावर ऑन ऑफ का यार, और दो दिए गए हैं जो वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, एंड और एक दिया गया है पॉज एंड प्ले, ये सब के लिए। एंड नीचे अगर देखते हैं तो नीचे की तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक मतलब कैप बोल सकते हैं, रबर कैप, जो कि एक तरफ से मतलब अगर आप कोई भी प्लेन सरफेस पर रखते हैं तो ये ग्रिप का काम भी आराम से कर देता है। एंड उसी के साथ साथ अगर मतलब इसको हम लोग खोलेंगे फिर हम लोग देखेंगे इसके अंदर भी तीन चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक है एसडी कार्ड का स्लॉट, जो कि एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, और उसके साथ है एक ऑक्स पोर्ट, एंड उसी के साथ आप लोगों को दिया गया है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, जो कि आपको इसको चार्ज करने में मदद करेगा। तो बिल्ड क्वालिटी तो इसका काफ़ी सही है, स्ट्रैप भी दिया गया है, इसे हम लोग हैंग कर सकते हैं कहीं भी। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में, डिज़ाइन के मामले में तो बहुत सही लगा मेरे को। अब बढ़ते ओके साउंड क्वालिटी की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसका बैटरी बैकअप के बारे में भी बात कर देता हूँ, क्योंकि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है तो बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते अगर इसका बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप काफ़ी सही है, ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा मतलब फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर इसका बैटरी बैकअप का बात करते हैं तो बैटरी बैकअप आपको 7 से 7.5 घंटे तक मिल जाएगा। अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे यूज़ करते हो कंटिन्यूसली तो आपको 6 से 6.5 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये इसका मतलब बैटरी के मामले में, जो मैंने इसका कुछ 1000 mAh का बैटरी है तो ये आप लोग को स्पेसिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड फिर आते हैं इसका साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी अगर मैं ओवरऑल साउंड क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ, साउंड क्वालिटी इसका काफ़ी बढ़िया है, मैं इसे डेली यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट, हाँ डेली बोल सकता हूँ। मेरे पास दो स्पीकर है, एक है जो बहुत पुराना क्या नाम है उसका, बोट कुछ था, स्टोन 600 क्या था भूल गया जो भी हो, तो और एक है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है, तो काफ़ी मज़ा आता है यूज़ करने में। मतलब ऐसे ही हाथ में पकड़ के मैं ऐसे चला जाता हूँ दूसरे रूम में, तो काफ़ी ईजी हो जाता है, जो कि इसका मतलब साइज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर मैं आप लोगों को एक इसका साउंड सैंपल दे दूँ तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं वीडियो में ऐड कर देता हूँ अभी। अगर अभी आप सुन लीजिए कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। देखिए आप लोग इसे जज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो में देख के तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो अभी हम लोग बढ़ते इसका साउंड क्वालिटी में। एंड जो इसका साउंड क्वालिटी के बारे में मैं बात कर रहा था, तो अगर इसका बेस के बारे में बात करते हैं तो बेस काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर का एक साइड में आपको 5 वाट का स्पीकर मिलेगा, मतलब आप देख नहीं सकते, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि इसका मतलब जो जैसा बिल्ड किया गया है, तो एक तरफ और एक तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक बेस ड्राइवर, ठीक है। तो इसलिए ये जो बेस प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी सही रहता है, बेस मेरे को काफ़ी सही लगा, एकदम ऑन पॉइंट बेस है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया कि फुल साउंड में मतलब पूरा 100% वॉल्यूम में आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन महसूस हो सकता है, तो ये एक मैं कहूँगा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बोट जैसा जो ब्रांड है, मैं इतने साल से यूज़ करते एक दो साल से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, तो मैं ये बोट से तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एंड अगर आप इसे 85 या 90% वॉल्यूम में भी अगर सुनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एंड बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। साउंड क्वालिटी ऑन पॉइंट है, क्लैरिटी भी काफ़ी सही है, बेस भी काफ़ी सही है। एंड इसके साथ जो माइक्रोफोन आता है, मतलब आप स्पीकर से आप कोई भी कॉल पिक कर सकते हो, तो माइक्रोफोन का क्वालिटी भी डिसेंट है।
तो गैस ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर एक्चुअली वाटर रेसिस्टेंट है, जो कि मैंने बताया कि इसका जो नीचे वाला कैप है ये आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, ये अगर आपका टूट जाता है या फिर आप ठीक से इसको सील नहीं करते पूरा नीचे, तो ये वाटर रेसिस्टेंट एक्चुअली ठीक से काम नहीं करेगा। अगर ये आपका पूरा सील्ड है तो कहीं तरफ से मतलब पानी घुसने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये एक तरफ से बहुत ही प्लस पॉइंट है इस स्पीकर का कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो मैं इस तो इसे भाई बाथरूम में लेके जाता हूँ, एकदम गाना वाना सुनता हूँ, एकदम नहाने का टाइम एकदम चिल ब्रो। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो अभी बात करते हैं कि इसका जो प्राइस है, प्राइसिंग के हिसाब से क्या ये स्पीकर बढ़िया है। तो मैं कहूँगा ये आपको 1100 या 1200 के अंदर मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़न में। जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर चेकआउट करना है तो आप वहाँ से चेकआउट करके परचेस कर सकते हैं। तो प्राइस के मामले में मेरे को लगता है कि काफ़ी सही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ ऐसा मतलब अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ? तो हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ। और इसका जो एक दो नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते देन यू कैन श्योरली गो विद दिस प्रोडक्ट। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आप थोड़ा अच्छा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करते हो या फिर आपको मतलब वो जो डिस्टॉर्शन होता है वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको कोई और ऑप्शन देखना होगा, इससे आपका काम नहीं बनने वाला। लेकिन ओवरऑल मेरे को ये स्पीकर काफ़ी सही लगा। बोट के ये स्टोन ग्रेनेड बहुत ही सही है, एकदम बूम बैस्टिंग वाला आपको साउंड देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा है मेरे इस स्पीकर के साथ। एंड बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन हो या फिर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी बताना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूले। एंड अगर आपको ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोज इन हिंदी अगर आपको देखना है देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी टेक केयर। बाय बाय।